ध्यान कर ली। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ हकीम भी हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं, अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन असी भी हज़रत बह जाऊँगी। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई, आप फरमाने लगे को बुजुर्ग थे साथ हिकमत भी करते थे। मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया और नब्ज पढ़ते हुए पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया लेकिन साथ ही रहमत हो गई, वो ध्यान करो अल्लाह वेखदा भी, नब्ज छोड़ दी। बस ख्याल ही गुजरा, पहला शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो ध्यान कर अलम या अलम भी अन अल्लाह यार, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा, पुत्र की कर दे हो, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, वो ख्याल नहीं आता कि हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूं। क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूं। ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम बि अन अल्लाह यरा, रब्बना इन्नक तअलमु मा नुखफी व मा नुलिन व मा यखफा अलल्लाहि मिन शयइन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी। ख्याल आया छोड़ दी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत देन है जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शैंकियां नहीं होती, तब जिस माशकी जिसको हम ज़ादी जुबान में कहते हैं वही घरों में पानी देने आते थे, घर उनकी बीवी थी वो पानी देने के लिए आया माशकी, पानी भर के ना जब वो जाने लगा ना तो उसने हाथ पकड़ दिया उनकी बीवी का, उन्होंने उत्थे फड़िया उधर माशकी ने कार फड़ लिया, वो बीवी आगे से हाथ छुड़ाकर कहती है ओ पुत्र की हो गए, उसको भी ख्याल आया वो रोता हुआ भाग उठे, वो भी बह के चंगा रोए थे अखां लाल कीतियां, घर माई भी बड़ा रोई, सारी जिंदगी लंघ गई है बुढ़े वेले की होया इन्हें की हाथ पड़ लिया, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होरी घर आए तो हकीम साहब दी अखां सुजी दी वेख्या तो घर आली दी अखां सुजी दी, उन्हें पूछा भली लोके की होया क्यों रोई, उन्हें कहा पहले तुसी दसो तुसी क्यों रोए, उन्हें कहा बस अज एक धी आई सी मैं दिखाने लिए नब्ज फड़ी शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे मैं छड़ छड़े कह लेंगे बस उधर तुसी उधर फड़ी फड़ी इधर कार माशकी ने मेरी फड़, ध्यान करियो पुत्र ध्यान करियो, अज किसी दियां धियां ने कल साडियां धियां ने भी जवान ने, अज किसी लिए चौंक च ना खलोइयो, अज किसी लिए ना खलोइयो, अज तुसी खलोवोगे कल को ताड़ी लिए भी खलोएगा, बड़ा ध्यान करियो बड़ा ध्यान, अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है बड़ी पाकीज़ा, और जिना से बचना। ये अगे अलामा साहब और मैं तकरीबन डेढ़ दो घंटा बैठ कर यही रोते रहे हजरत कि सानू इंज दा फसाया है कि अज जिना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े, लेकिन बचने पुत्र बचने। जिना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना उसने माफ़ी मांगी अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सजा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू जानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना आना, जानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए, और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीजा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीजा रखना है। फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बड़े आजम फतेह, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था, और अरस्तू ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया, जब अरस्तू ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है तो वो समझ गया कि जहर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है, तो उसने वहां सिकंदर को कहा सिकंदर तू बचेगा नहीं है, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान है। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर के ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, और करना क्या मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या इसमें क्या राज है, तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं वो इस दुनिया से जीना लगाना। देखो आज
15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। और चलियो वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे यार। और फिर यहां किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक मालिक हम नहीं है हजरत, ये उलमा बैठे हैं। उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत, वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर। या आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाती वमा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा, कुल महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, त्याग करियो पुत्र ओ मालिक जे, असी नहीं ने माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन, फिर वो प्लेट बदल गई है, दादा का इंतकाल हो गया, फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद मुंटा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती है, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी मालियां हजरत, असी मालक नहीं हजरत, मालक वही है। और मैं यहां एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूं कि आप कहोगे मौलवी साहब अहमी साढ़े को साड़ियां जमीना खोन लगे हो, उनको कुरान हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था, दो बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरे बाह होते, खून बहता किसी की जान जाती, वो चार वड़े वडेरे बेच रले, उन्होंने बह के क्या गाल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम मौजूद है, क्यों एक दूसरे का गिरे बाह पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है जैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी है, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की आगाही नहीं होती कोई भी, वहां भी एक ऐसा बैठा था, हजरत मूसा अलैहि सलाम से अर्ज करता है हजरत इंज करो कल्ला कल्ला करके ना उन सैड ते लै जो, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए, जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ये जैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा, पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता है हजरत ये दोनों झूठे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको को तैयारी करें ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम च पे दे ते हकीकत क्या है, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहां से जाएंगे, हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे हजरत, हूँ ढी मर्जी है हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो हजरत, लेकिन हजरत जी चंगाई ढेर लाइयो मंदा न लाइयो। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला का डेरा देख रखा है, ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है, इतनी मौके की जगह है हजरत, हमने तो खैर नहीं देखा लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था हकीम साहब का मुरीद हुआ, तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं कि स्कीम खादम अली रहमतुल्लाह तआला, कहने लगा कि साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुम्हें जो कि रोड से भी जाके बवो इन्हें तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है, मैं इजाजत दो हाँ मैं नक्शा बनावा तो इतने सोहना प्लाजा बनाइए। तो कीम साहब फरमान लगे वो बाबा जी रहन दे, कहने लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने, आप फरमान लगे यार असी बुला लेना ही लेकिन एक गल सुनी सी सी तां नहीं बनाया। वो कहते हजरत मशवरा करे ना शायद बात की हकीकत कुछ और हो, क्या बात सुनी है क्यों नहीं आपने बनाया, आप फरमान लगे यार ही सुने आए नाल नहीं लैके जान देंदे असी तां नहीं बनाया। कैसे लोग थे यार, कितना तकवा था उन लोगों में, इस जानब तवज्जो ही नहीं की हजरत, तवज्जो की तो सिर्फ अल्लाह की तरफ की,
توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی ہے، اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ دیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے وہ بھاگتا رہے گا، تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں کی رو کی، آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پوایا اور منہ کیتا سورج جل. فرمایا سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں، بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگی.